खबर रोहतास जिला के विक्रमगंज से, जहां अनुमंडलीय एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया। उन्होंने शहर के मुख्य तेंदुनी चौक से सभी क्षेत्रों में घंटों देर तक पैदल मार्च कर अवैध किए हुए सरकारी जमीन को जल्द से जल्द खाली करने के लिए लोगों को अल्टीमेटम दिया, जिसको लेकर उन्होंने विक्रमगंज नगर परिषद अध्यक्ष गुप्तेश्वर गुप्ता को भी सख्त दिशा निर्देश देते हुए शहर को अतिक्रमण से जल्द मुक्त कराने के आदेश दिया। यदि इसके बावजूद भी लोग अनदेखा करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ उनके अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अपने से साफ करेंगे, अग्रवाद काल से प्रशासन लगी रुपा घूम भी लेनी का उम्मीद वालों को अपने से साफ कर दिनू। एकदम लोगों का सहयोग मैंने अपेक्षा से ज्यादा हो रहा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, सरकारी आदेश का अनुपालन करने वाले हैं और हमें नहीं लगता है कि हमको कल बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने हटा लिया है और लोग हटा भी रहे हैं। सबकी इच्छा है कि विक्रमगंज खूबसूरत रहे, साफ़ सुथरा रहे, प्रदूषण मुक्त रहे और इस दिशा में, इस कदम में सब लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज सब्जी मंडी का भी भ्रमण किया गया है, सब्जी मंडी भी बहुत बेतरतीब तरीके से लोग उसमें हैं और हम लोगों का ये प्रयास है कि सभी सब्जी मंडी वालों को बुलाया जाएगा और एक बेहतरीन तरीके से सबको उतना ही जगह में बेहतरीन तरीके से सबको लाइनअप करके और बराबर मात्रा में दुकानें दी जाएंगी और सब लोग व्यवस्थित रूप से रहेंगे ताकि सब्जी मंडी भी अंदर से साफ सुथरा रहे। क्योंकि आप सोचिए, वही सब्जी कचड़ा में सब्जी बिक रहा है और उसी कचड़ा में बिकते हुए सब्जी को हम उठा के ला रहे हैं और घर खा रहे हैं, इससे हमारे तमाम नागरिक बीमार भी पड़ रहे हैं। तो ये सब लोग चाहेंगे कि साफ़ सुथरी जगह पर खाने योग्य चीज़ है, कच्चा चीज़ है, उसको हम घर में ला के पका के खा रहे हैं। बस और टेम्पू कहाँ लगे सर? बस और टेम्पू का भी जगह चिन्हित किया जा रहा है चारों रोड में, चूँकि यहाँ अस्थायी बस स्टैंड नहीं है तो चारों रोड में जहाँ पे सबसे अधिक खाली जगह है, जहाँ पे सरकारी भूमि उपलब्ध है, वहाँ जगह चिन्हित किया जाएगा और चारों रोड में चारों दिशाओं से आने वाली बसों का ठहराव होगा, क्योंकि यहाँ ठहराव ही है, अस्थाई बस यहाँ से कोई न खुलता है न रुकता है, तो ठहराव के लिए हम लोग ठहराव स्थल चिन्हित कर रहे हैं और वो भी व्यवस्थित हो जाएगा। सर, नटवार से कोचस तक अस्थाई बस खुलती है, ओकरे खातिर उनका व्यवस्था? अभी नटवार में कोई व्यवस्था नहीं है, अभी हम लोग उस पर नहीं भ्रमण किए हैं से कोचस तक और नहीं व्यवस्था किए हैं और जो भी यहाँ व्यवस्थाएँ की जा रही हैं वो आने वाले दिनों में अस्थाई हो जाएंगी और बेहतरीन।